यह तय हो चुका है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी, लेकिन उसका असर समाज के कई तबकों पर पड़ने लगा है। कोरोना वायरस के चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन बढ़ाना भी जरूरी है, लेकिन समाज के कई तबके अब उससे दो चार हो रहे हैं। उसी समाज का एक तबका है जो फोटोग्राफी कर जीवन यापन करता है, लेकिन इस वक्त लेंस और कैमरे को साफ करने के अलावे उन्हें कोई काम नहीं बचा है। और ये दास्तां ना सिर्फ भागलपुर अपितु पूरे बिहार हो या जहां जहां कोरोना का कहर है वहां भी देखने को मिल जाएगा। भागलपुर के अमित राय और सुमन जैसे सैकड़ों फोटोग्राफर की माली हालत संकट में दिखने लगी है। ये लॉकडाउन तो हम लोग के बिजनेस में पूरी तरह से छा गया है। हम लोग का भी मतलब 8-10 बुकिंग ऐसे हैं जो रिसेंटली अप्रैल में होने वाले थे, सारी डेट आगे बढ़ गई है। और अभी जो हम लोग 6 महीना कैसे गुजारा करेंगे वो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कहाँ से अर्न करें, क्योंकि हम लोग साल भर की जो खर्च होती है वो हम लोग 6 महीने के लगन से ही हम लोग अर्न करके करते हैं। और अभी हम लोग को उम्मीद नहीं लग रहा है कि कुछ भी हम लोग को कहीं से बुकिंग आएगी या फिर हम लोग काम कर पाएंगे। इसके साथ साथ घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, कहीं से कोई अर्निंग नहीं हो रही है, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की फ़ी है, ये सब देखकर हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है और आगे बहुत टेंस हो रहा है। असर तो काफ़ी हो गया है, क्योंकि अप्रैल महीने में जो भी हमारा बुकिंग था वो सारा कैंसिल हो गया है, लगभग अप्रॉक्स सारा कैंसिल हो गया है। अब अभी अगले 6-7 महीने तक पता नहीं क्या होगा, लॉकडाउन ख़त्म होगा भी नहीं, बुकिंग फिर से रीबुकिंग होगी कि नहीं होगी, इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं लग रही अभी तक। और आगे नवंबर की भी बुकिंग अभी तक कुछ नहीं हुई है, तो इससे हमारी आर्थिक बहुत ज़्यादा असर हो रही है।